हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8 स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखेंगे। टॉपिक है 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट, तो देखो क्या होगा, अगर किसी पर्सन ने समझो लोन लिया है बैंक से, तो बैंक से जो लोन लिया है उस पे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। समझो लोन लिया है 10,000 रुपीज़ का और रीपे करना पड़ा है तो कितना, 11,000। कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ी, देखो 1,000 रुपीज़। सो 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। तो जब कभी कोई लोन लेता है तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रहती है, जो चार्जेस होते हैं उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाएगी। बट ये इंटरेस्ट फाइंड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको लास्ट स्टैंडर्ड में हुआ रहेगा, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ऐसे सिंपल फॉर्मूला बनता है। सो पी यानी क्या, तो पी यानी प्रिंसिपल, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये परसेंटेज में होता है। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हमें किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट ढूंढना है तो हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला लेना पड़ता है, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये इंटरेस्ट के लिए हो गए, ठीक है। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंसेप्ट क्या होगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे लोन कितना लिया है, 10,000। जो अमाउंट पे इंटरेस्ट ढूंढा जाता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। जो अमाउंट पे इंटरेस्ट ढूंढा जाता है वो होती है प्रिंसिपल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो जितने अमाउंट का लोन लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा तो वो 1 ईयर के लिए नहीं रहेगा, ज़्यादा ईयर्स के लिए होगा, यानी 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए लोन लिया है, 4 ईयर्स के लिए लोन लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप सिंगल सिंगल ईयर्स से देखते जाते हो तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है। मैंने समझो 10,000 रुपये का लोन लिया है और हर साल 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो पहले साल का इंटरेस्ट ऐड किया तो मिले 11,000। ये अगले साल के लिए टोटल लोन अमाउंट बनेगा, यानी जितना पेएबल अमाउंट होगा वो लोन अमाउंट बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट ईयर में वापस 1,000 रुपीज़ बढ़ेंगे दूसरे साल में, तो उसकी अमाउंट बनेगी 12,000। सो दूसरे ईयर में अमाउंट बनेगी 12,000 जो देनी है। तो ये पहले ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, 10,000। दूसरे ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, 11,000। तीसरे ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, 12,000। ऐसे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हर एक साल में चेंज होती जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसीलिए अलग होगा नॉर्मल इंटरेस्ट से, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती है। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी होगी, जो अमाउंट देनी बाकी है, यानी लोन लिया है तो लोन देना है, तो लोन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट भी देना है तो लोन और इंटरेस्ट दोनों ऐड होके प्रिंसिपल अमाउंट बनती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी ड्यू अमाउंट जो हमें रिटर्न करनी रहेगी, तो वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट या अलग डिफरेंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सर्टन फॉर्मूला है जो हमें अभी यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100। एंड इनके इंट्रोडक्शन लेने पड़ेंगे, ए यानि होता है अमाउंट, पी यानि होता है प्रिंसिपल जो हमें पे करना है, आर यानि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन यानि नंबर ऑफ इयर्स, ए यानि अमाउंट। ए यानि अमाउंट, यानि अमाउंट कैसे बनती है, तो उसका एक अलग फॉर्मूला आपके लिए रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, ऐसे फॉर्मूला होता है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको अमाउंट मिलती है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करने पे अमाउंट बनती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ढूंढना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है, फॉर्मूला देखो ठीक से, ये हो गया अमाउंट के लिए फॉर्मूला। अमाउंट अलग होती है,
जो अमाउंट टोटल रहेगी जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। अगर हमें इंटरेस्ट ढूंढने को बोला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया अपने वाले और ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमें रिमेम्बर करना है और इस बेसिस पे हम सम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 14.1 हम सॉल्व करेंगे, 14.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो अपने बुक में, टेबल दिया है, टेबल में जो वैल्यूज दिए हम यहाँ पे लिख के लेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है जो शॉर्ट में हम बोलेंगे पी, कितना है 2000 रुपीज़ का, रुपीज़ का साइन आएगा। देन दिया है रेट यानी आर होगा अपने लिए, कितना दिया है 5 PCPA, और आखिर में दिया है ड्यूरेशन जिसे हम बोलेंगे एन, कितने ईयर्स 2 ईयर्स। तो अभी ये सब वैल्यूज यूज करके हमें फाइंड आउट करना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट भी, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पी इंटू 1+R/100 इंटू एन। ठीक से देखो, कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, ठीक है। पी यानी प्रिंसिपल 2000, 1+R, आर कितना है 5/100, और एन नंबर ऑफ ईयर्स 2। इजी वे से सॉल्व करेंगे, आपको फोकस करना है। तो क्या करेंगे देखो, तो 100 और यहाँ पे 1 है प्लस 5, ओके। सो नॉर्मली 1+5/100 इज सिंपल देखते हैं, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है और यहाँ पे 5 को डिनोमिनेटर है 100, ओके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो सिंपल एडिशन मैं आपको बताता हूँ। अगर डिनोमिनेटर नहीं है, एडिशन करना है, तो ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर देना। सो 100 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 100+5 105, और डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा और स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। सो 2000 × 105 × 105, स्क्वायर यानी टू टाइम मल्टीप्लीकेशन, 100 × 100, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टू टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा यानी स्क्वायर। सो 2 जीरोस पहले मैं यहाँ पे कट करता हूँ और 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, 21 से 20, 20 5 से 100, और 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, 21। सो 105 × 21, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। सो देखते हैं कितना आंसर आता है, 105 यहाँ पे करता हूँ मैं, 21, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करने के 2 5 = 10, 2 0 0 and 1 1 and 2 1 = 2, कितने अमाउंट 2205, ओके। ये अमाउंट है, अमाउंट। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है, दो आंसर करना है ना यहाँ पे, यस, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है। मैं रफ वर्क जो कैलकुलेशन किया है मैं इरेज करता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे रहेगा, सो कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखा है ए माइनस पी, तो अपने पास ए यहाँ पे मिला 2205, और प्रिंसिपल जो है यहीं पे दी है पहले से, इनका डिफरेंस कितना मिलता है 205, ये होगा हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। आंसर हो गया, फर्स्ट सम सॉल्व किया है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। स्टूडेंट अभी सम नंबर सेकंड, तो ये सम में जो इंफॉर्मेशन दिए वो हम यहाँ पे लिख के लेंगे, प्रिंसिपल यानी पी 5000 रुपीज, ओके। देन आगे दिया है रेट यानी आर, कितना है 8 PCPA, एंड नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरेशन यानी 3 इयर्स दिए। सिमिलर क्वेश्चन है, पहले अमाउंट ढूंढो। सो फॉर्मूला पी इंटू 1+R/100, एन पी का वैल्यू 5000 × 1+R का वैल्यू 8 और ये 3, ओके। सो
सिमिलर करेंगे कैलकुलेशंस, वन को ऐड करना है ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 100, तो यहाँ पे वन का डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले क्या करेंगे 100 से वन को मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू वन 100, और फिर ऐड करना प्लस 8, तो हो जाएगा 108 अपॉन 100 और क्यूब, क्यूब यानी 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन होता है, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, तो देखते हैं पहले दो जीरोस तो चले गए, 51 से 50, 52 से 100, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, 2 5 से 10, 2 4 से 8, ओके, तो अभी इन सब का मल्टीप्लीकेशन 108 इंटू 54 इंटू 108 और डिवाइड बाय 100 रहेगा, तो 100 से डिवाइड करना है वो बाद में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, यस, तो बाजू में करेंगे 108 इंटू 54, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 0 0 एंड 3 3, 4 1 जा 4, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 0 0 एंड 4 4, 5 1 जा 5, अभी 5832 मिला है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और भी 108 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5832 आया है उसे वापस 108 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, बराबर, 82 जा 16 कैरी 1, 83 जा 24 एंड 1 25 कैरी 2, 88 जा 64 एंड 2 66 कैरी 6, 8 5 जा 40 एंड 6 46, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करने पे, ओके, और अभी 1 से मल्टीप्लाई करने के पहले दो जीरो रखे और फिर मल्टीप्लाई, 1 2 सा 2, 1 3 सा 3 और 1 8 सा 8, 1 5 सा 5, 6 5 8 9 12 11 6 2 9 8 5 6 डिवाइड बाय 100, ओके, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया और डिनोमिनेटर में 100 है, तो फिर आगे सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ओनली पॉइंट्स आने वाला है पीछे से, दो जीरो है तो दो पॉइंट्स देंगे, तो सिंपल डिवीजन होगा ये, ए इज इक्वल टू 6298.56, तो ये मिला हमें ए, ओके, अभी ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी, तो ए मिला है 6298.56 और पी है हमारे पास 5000, ओके, लेस करने पे हमें मिलेगा 1298.56, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड सम में, आई होप आपको समझ में आया रहेगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, डिवीजन एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए, टेबल आपके अच्छे से परफेक्ट होने ही चाहिए, तब ये आप सम्स कर सकते हैं, ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं, थर्ड सम है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल लिखेंगे यानी पी कितना है 4000, देन आगे हम लिखेंगे रेट आर जो है 7.5 PCPA एंड देन एन नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे पास 2 ईयर्स, ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे इसे, यस, पहले क्या ढूंढेंगे अमाउंट, तो पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 एन सॉल्व करेंगे, पी है 4000 इंटू 1 प्लस आर है 7.5 अपॉन 100 और एन है 2, देखो ठीक से सॉल्व करना है, सो 100 है यहाँ पे 7.5, पहले पॉइंट रिमूव करते हैं, देखो मैं आपके लिए आसान करता हूँ, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, 7.5 है तो पॉइंट निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी किया, नीचे हो गए 1000, ओके,
अच्छा इस बार 1000 है तो इसलिए मैं डिवाइड करता हूँ, नहीं करेंगे तो भी आसानी से सॉल्व होगा वो। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, सो आई 3/40 और ये स्क्वायर, ओके स्क्वायर है भूलना मत, सो 4000। अभी एडिशन सिंपल, जैसे पहले बताया था यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे नहीं है, तो 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर देना, 41 ज़ा 40 प्लस 3, 43/40 और ये स्क्वायर 4000 स्क्वायर है ने 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, यस, सो 1010 दो जीरो से लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 ज़ा 40, ओके और वापिस 4 से कर सकते हैं बट रहने देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। सो 10 × 43 × 43/4, ओके अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, बराबर, तो यहीं भी मैं करता हूँ, 43 × 43 3 3 ज़ा 9, 10 को बाद में लेंगे मल्टीप्लाई के लिए, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, अभी 4 से 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 4 16 and 1 17, कितना है 1849, और इसे 10 से भी मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 18490 डिवाइड बाय 4, अभी 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, डायरेक्ट किया 4 से 18 को डिवाइड किया, 4 4 ज़ा 16, आपको अगर ऐसे डिनोमिनेटर नहीं आएगा डिवाइड करने को तो सिंपल वे से हम करते हैं, आपको पता होगा 18490 4 से डिवाइड करना है, 4 4 ज़ा 16, रिमेन 2 24, 4 6 ज़ा 24, ये हो गया 9 आए, 4 2 ज़ा 8, रिमेन 1 10 हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, अगेन यस 4 2 ज़ा 8 होंगे तो बचेंगे कितने, ओनली 2 पॉइंट देना पड़ेगा, तो 4 6 2 2.5 आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, अमाउंट क्या मिला, यस अमाउंट 4 6 2 2.5, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, डिवाइड अप अच्छे से करके देख लेना, ओके 4 6 2 2.5, और अभी कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, ए माइनस पी, तो ए हमारे पास कितना है 4 6 2 2.5 और पी हमारे पास कितना है 4000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली कितना मिलेगा 622.5 रुपीस का साइन, 622.5 ये आंसर मिला हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए, यानी टेबल पूरा किया है, बचे हुए सम्स हम अगले वीडियो में बनाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे रिमेनिंग सम्स, अभी मिलते हैं नए वीडियो में, सो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करना, टेबल बाय हेड करना, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स इसे फोकस करना, तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।